खबर के साथ हम इस बुलेटिन की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि कल शाम जो हुआ है यानी कि भारत और इसरो ने वो कर दिखाया जो किसी दूसरे देश ने नहीं किया है। जी हाँ, चंद्रयान 3 चंद्रमा की साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड हो गया और उसके बाद अब जो लैंडर विक्रम है उससे रोवर प्रज्ञान भी बाहर आ चुका है। इसके बाद अब आगे क्या होगा, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की घोषणा के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया। भारत ने वो कर दिखाया जिसे करने में अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश नाकाम रहे। भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पूरी दुनिया भारत के इस मिशन की ओर टकटकी लगाए देख रही थी और भारत से लेकर अमेरिका तक में इसका जश्न भी अपने ही अंदाज में मनाया गया। लोगों ने जमकर डांस किया और आतिशबाजी की। पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका में होते हुए भी देश के इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने और देशवासियों सहित इसरो को बधाई दी और कहा कि ये पल कभी नहीं भुलाने वाला है। जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद पहली तस्वीर आते ही देशवासियों का सर फख्र से ऊंचा हो गया। वही चंद्रयान 3 ने चांद के सतह की कई तस्वीरें भी भेजी। दूसरी तरफ रोवर ने भी लैंडर से बाहर आकर चांद की मिट्टी पर अपना पहला कदम रखा। रोवर ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि रोवर अब चांद पर क्या करेगा। रोवर प्रज्ञान चांद की सतह का जायजा लेगा। विक्रम और रोवर में लगे पेलोड्स एक्टिवेट किए जाएंगे। विक्रम और रोवर चांद के बारे में इसरो को अहम जानकारी भेजेंगे। चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेंगे। चांद के डायनामिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। रोवर चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिंग करेगा। रोवर आयन और इलेक्ट्रॉन की मात्रा बताएगा। सिर्फ लैंडर विक्रम ही इसरो को डाटा भेज सकता है। अब देशवासियों को इंतजार है चंद्रयान 3 मिशन से इसरो को मिलने वाली अहम जानकारी के सामने आने का। आज पूरा देश इसरो की इस कामयाबी पर गदगद है। ऑल वेट टू हियर फ्रॉम द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन इसरो। और इसी के साथ भारत ने स्पेस साइंस की दुनिया में अपना दबदबा कायम कर लिया है और अब भारत की नजर उन तमाम पहलुओं पर है जहां के बारे में दूसरे देश अभी तक सोच भी नहीं पाए हैं। जी हां, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संबोधन में इसरो के दूसरे मिशन की भी घोषणा कर दी है, यानी कि चंद्रमा के बाद अब मिशन सूरज। भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह सफल हुआ और भारत ने कुछ ऐसा कर दिया जो अब तक कोई देश नहीं कर पाया। चांद के साउथ पोल पर लैंड करना काफी चुनौतीपूर्ण था और इसको लेकर कई देश आशंका जाहिर कर रहे थे, लेकिन इसरो ने इन तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। चंद्रयान 3 मिशन के सफल होते ही एक नए मिशन की चर्चा जोरों से शुरू हो गई। इसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट।
प्रधानमंत्री के बयान से ये साफ जाहिर है कि सूरज की स्टडी करने वाला स्पेस क्राफ्ट आदित्य L1 भी जल्द मिशन पर होगा। अब हम आपको आदित्य L1 से जुड़ी कुछ अहम जानकारी देते हैं। आदित्य L1 इसरो का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। इसरो का अब तक का सबसे जटिल मिशन है। अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। आदित्य L1 हर वक्त सूर्य की ओर देखेगा। धरती और सूरज के बीच L1 ऑर्बिट में इसे रखा जाएगा। इसके माध्यम से भारत की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी तैनात करने की कोशिश होगी। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आदित्य L1 से अंतरिक्ष, मौसम की गतिशीलता, कण और क्षेत्रों के प्रसार की समस्या को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो जिस तरीके से चंद्रयान